नरेंद्र मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिसको पारित करके अब एक्ट में तब्दील करवा लिया है उसके विरोध में। आपने शुरुआत में तिरंगा देखा, तिरंगे के चार रंग, कई लोग कहते हैं तीन होते हैं, वो तीलियों का रंग नहीं गिनते हैं, और हिंदुस्तान के हजार रंग, उसमें से एक रंग है असम का, जो इस बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है, अलग अलग आंदोलनों को याद किया जा रहा है। यहाँ पर दो विधायक बैठे हैं जिनका ये दावा है कि हमें पुलिस से इजाजत मिली है। कितने घंटे के प्रोटेस्ट की? सिक्स आवर्स दिया है। कहाँ है वो इजाजत सर? ये तो अपना फोटो में, मतलब फोन में है, तो हमने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत है, कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन, एक्चुअली मेरा साथी रूपज्योति कुर्मी, ये मरियाने का विधायक। इसने कहाँ के विधायक है? आसाम से। कौन सी सीट? जोरहट जिले मरियाने विधानसभा, मरियानी कांग्रेस से। दोनों कांग्रेस से। तो ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने के लिए आए थे, और उसका तो सुनानी 22 को होगा आगामी। तो अभी मेरा साथी रूपज्योति बताया कि ये हमको जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करके जो अभी शहीद हुआ 5 हमारा यंग जवान, जो आसाम का अभी पुलिस फायरिंग में, ये आंदोलन का मुताबिक उसको श्रद्धांजलि देना चाहिए। और यहाँ हम लोग 7 आवर्स 12 आवर्स जितना परमिशन होता है हंगर स्ट्राइक करेंगे। तो आज हम हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, अभी भूख हड़ताल है हमारा सीएबी का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आइन का खिलाफ। सरकार साहब, नॉर्थ इंडिया में कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, असम के लोग, जो माइनॉरिटीज हैं तीन कंट्री के, जिनको इस एक्ट में रियायत दी गई है 11 साल से घटा के 5 साल और 2014 की डेडलाइन, अगर वो वहाँ सप्रेस्ड हैं, सरकार कह रही है कि हम उनको आने दे रहे हैं, तो असम विरोध क्यों कर रहा है? क्या आप लोगों को समझा पाएंगे? बिल्कुल। पहला बात है, आप देखिए भारत का आइन का मुताबिक 1951 तक ही ये देश जब बंटवारा हुआ था तो नागरिकता 51 से पहले का है भारत में। अभी जब असम में एजिटेशन हुआ कि वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा आदमी आ गया, तो एक आंदोलन हुआ था 79 में, असम मूवमेंट, और उसका समझौता हुआ था 1985 में असम एकॉर्ड, राजीव गांधी जी उसको साइन किया था 15 अगस्त का सुबह। तो उसका मुताबिक हमने ऑलरेडी 20 साल एक्सेस जो विदेशी नागरिक है उसको ले लिया असम का अंदर। तो अभी दोबारा जो कानून आ रहा है, ये अभी रिलीजन बेसिस पे नागरिकता दे रहे हैं, और इसमें हमारा असम का ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और जो असम एकॉर्ड में ये समझौता हुआ, ये देखिए 71 तक ही हमारा लेना है। तो अभी अगर एक्सेस आदमी आ जाएगा तो हमारा एक स्मॉल कम्युनिटी है असम, तो इसका जो आपका रिलीजन लैंग्वेज का ऊपर, मेनली लैंग्वेज आसामिस लैंग्वेज है, और बाहर का आदमी का दूसरा लैंग्वेज होगा। जो अभी स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट है 1956, इसका मुताबिक जिस राज्य में ज़्यादा भाषा बोलने वाला था, जिस भाषा का, तेलंगाना उसी शिस्त हुआ था तेलुगु। तो ये केंद्र सरकार हमारा असम का नक्शा तोड़ सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ये आसामिस सोसाइटी ये नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, ये आसामिस भाषा के ऊपर है। अभी जब रिलीजन का बेसिस पे ले आएगा तो असम का जो अच्छा माहौल है ये माहौल बिगड़ जाएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो एनआरसी में फाइनल एक्सक्लूजन लिस्ट आई है उसमें कई लोग ऐसे छूट गए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं थे या लीगल दावपेच में, तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए सरकार कह रही है कि हम ये एक्ट लेके आए। ये तो बात ऐसा है, ये जो हमने उसके बारे में भी बोल रहे हैं, एनआरसी में 1951 का, 1948 का, 1968 का जो रिफ्यूजी सर्टिफिकेट है, जो कैंप सर्टिफिकेट है, जो रेशन सर्टिफिकेट है, उसको भी मान्यता नहीं दे दिया गया। ये तो कानून लाना जरूरी नहीं था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आपका पास 30 ईयर का पुराना डॉक्यूमेंट है तो आपको दूसरा पक्ष है उसका सर्टिफाई नहीं करना है, तो इस टाइप का कुछ कर लेना सही था। लेकिन ये कानून क्यों लेके आया, और कानून में खाली एक तो उस समय खाली हिंदू ही आया ऐसा तो नहीं है, तो और कोई भी दूसरा कारण से आ सकता है। तो ये कानून ले ला के हमारा देश को मतलब बंटवारा करने से आते हैं जो आम है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब तो सब अभी खाली असम का बात नहीं है, अभी 11 स्टेट, अभी 11 स्टेट अभी बोल रहे हैं कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे, और 11 स्टेट का पॉपुलेशन है 42% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और मोदी जी को जो मैंडेट मिला था 37% वोट मिला था। तो इसीलिए अभी आगे और आदमी आएगा, और प्रदेश आएगा जो बोलेगा कि ऐसा कानून नहीं सही है। कांग्रेस, जैसे आप कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं, पर जो दिल्ली में आपका कांग्रेस का आला कमान है वो उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है सड़क पे। बिल्कुल, जयराम रमेश जी ने केस फाइल किया, उनका शायद पहला केस तो उन्हीं का है। मैंने कहा सड़क पे एक्टिव नहीं दिख रहा है। सड़क पे
सड़क पे तो ये मुझे मालूम नहीं दिल्ली का, लेकिन असम में हम लोग पूरा लग रहे हैं और ये मेन तो हाँ, लेकिन दिल्ली का बारे में मैं तो बोल नहीं पाऊंगा ये बात। हाईकमान के बारे में बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ प्रदर्शन हो गया अभी कुछ दिन पहले, जामिया की हिंसा के खिलाफ। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पे जंतर मंतर में हमने किया है 13 को हमारा प्रदर्शन हो गया यहाँ पे। कई लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस एक दिन प्रदर्शन करके फिर घर बैठ जाती है, लगातार आंदोलन नहीं कर रही है, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है। विपक्ष का जिम्मेदारी जो है हम निभा रहे हैं, हम विपक्ष का नेता है, मैं असम का विपक्ष का नेता हूँ, दिल्ली में भी निभा रहे हैं, बिल्कुल निभा रहे। अभी हमारा कोई यहाँ आने वाला है नेशनल प्रेसिडेंट वगैरह, कौन कौन यूथ का, NSY का, तो आने वाले हैं। हाँ, आपके पास कम्युनिकेशन आया है? ये स्टूडेंट आपके साथ आए हैं कि यहीं पे रहते हैं? लेट मी ट्राई एंड टॉक टू देम। मैं ऊपर आ जाऊं? जी आइए, क्या नाम है आपका? मुझे नहीं, आप पीछे पूछिए। क्यों, आपसे भी बात करेंगे? आप यहां आंदोलन के लिए बैठी हैं? जी जी जी, एवरी वॉइस काउंट्स। बताइए क्या नाम है आपका? कविता पाठक। कविता पाठक। कविता, आप कहाँ की रहने वाली है? असम के। असम में कहाँ? गुवाहाटी। गुवाहाटी, क्या करती हैं आप? दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी, मैं गुवाहाटी में, दिल्ली में रहती हूँ। क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं यहाँ से जॉब कर रही थी, अभी मैं घर जाने के प्लान कर रही थी। बताइए क्या है विरोध CAA? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऑलरेडी इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा है, और हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हमारे खुद की स्टेट की प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर पा रही है, तो अभी वो बाहर के लोग मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने स्टेट में ला के हमारे लिए और ज्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो हमारे लैंग्वेज, एथनिसिटी, कल्चर सब पे हैम्पर करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम, मेन मुद्दा इसलिए NRC के विरोध में नहीं है, लेकिन CAA के विरोध में हम जरूर है। आप NRC के विरोध में नहीं? नहीं, क्योंकि इंडिया लेवल का दो अलग है, असम में ऑलरेडी NRC हो चुका है। पर कई लोग कह रहे हैं कि उस NRC में कई ऐसे लोग एक्सक्लूड हो गए जो डिजर्विंग थे, कोई प्रेसिडेंट की फैमिली का नाम गिना रहा है, कोई कारगिल जंग लगने वाले का नाम गिना रहा है। वो तो पहले डी वोटर, वो असम में और एक भी दूसरा प्रॉब्लम है जो डी वोटर कहते हैं, डिफॉल्टर वोटर, तो उन लोगों के बारे में जब कैच चल रहा था बहुत दिन पहले से, ये NRC से पहले उन लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के तहत। डी वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं NRC की फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूं। NRC और इलीगल माइग्रेंट जो है, हमारा मेन मुद्दा इलीगल माइग्रेंट है। कोई हाँ, मुझे NRC से दिक्कत नहीं, मुझे CAA से दिक्कत है। CAA से वो जो, हाँ CAA तो वही है कि जो इलीगल माइग्रेंट है उन्हीं को सिटीजनशिप देने की अभी कोशिश की जा रही है। जो इलीगल माइग्रेंट कौन है? आप जैसे त्रिपुरा में, आप क्या हुआ त्रिपुरा में, आप ये त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है वो इलीगल माइग्रेंट है, बिप्लब देव, वो खुद मानते हैं उनका पेरेंट्स बांग्लादेश में रहते हैं। आज जो बांग्लादेश का जो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को कि अगर आप प्रूव करके दोगे कि आप वहाँ पे कोई इलीगल माइग्रेंट है तो हम वापस ले लेंगे, तो बिप्लब देव को ले। बिप्लब देव तो पहला प्रूव है, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं बांग्लादेश में, तो उनको वापस लेना चाहिए। और मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर सरकार कल को यह फैसला करती है कि पूरे देश में NRC लागू हो, तो उससे आप लोगों को समस्या नहीं है? NRC लागू होगा तो इससे इलीगल माइग्रेंट हमारे उधर पे ऑलरेडी हो गया, असम में ऑलरेडी हो चुका। हाँ जी, देखिए का एक्सपीरियंस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए साहब जी, मैं बताऊँ आप लोगों को। साहब नहीं, सौरभ साहब तो वहाँ बैठते हैं, साहब ही गई। सर जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, NRC के मुद्दे पे जो है असम ऑलरेडी इसको झेल चुके हैं, असम ऑलरेडी झेल चुके हैं। मतलब आप इतने लाइन में लगे रहोगे ना सर जी, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके मामले पे, चाहे यहाँ पे कोई बुढ़ा का कोई वो नहीं दिया जाएगा, कोई औरत है चाहे 80 साल का हो चाहे 100 साल का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। और सर लाइन पे ऐसे लगाया जाता है, आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी आपको धकेल के लिए लाया जाता है। NRC के लाइन पे लग जाओ और आप इंडिया का सिटीजनशिप हो या असम का सिटीजनशिप हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास है। इलियास क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट में? जियोग्राफी में। जी सर, मैं असम ही बदलने के लिए, जियोग्राफी को असम की नहीं बल्कि पूरा इंडिया को, पूरा वर्ल्ड का जियोग्राफी बदलने के लिए ये मोदी सरकार जो है तुले वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। अभी आप देखिए, बहुत नाराज लग रहे हैं आप देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैं बता दूं, अभी बस इंडिया में ही नहीं सर जी, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे बाहर बाहर जहाँ पे है, इंग्लैंड में है, हाँ जितना दूरी, जहाँ पर भी देखो इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन क्यों सबके सब कहीं से हायर कर करके कांग्रेस वाले हायर करके लाए हैं क्या, बताइए आप? मैं आपको सवाल करता हूँ, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। हमारे वजीर आजम बोल रहे हैं इसका, हमारे वजीर आजम का ऐसा सोच, अभी सोचते हुए भी शर्म आते हैं, इसका जोश, वजीर आजम का ऐसा सोच, वजीर आजम
यस प्रधानमंत्री का ऐसा सोचते हुए भी शर्म आते कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके साथ पूछा जो ये कपड़े देख के उन वो पहचान लगा लेते हैं। हाँ देखिए मेरा कपड़ा देखिए, मैं आसाम से हूँ, मुझे मोदी साहब मुझे देखिए और मैं कौन हूँ मेरे बारे में आप पता कर लीजिए, मेरा नाम है इलियास अहमद, मेरे बारे में भी अभी पता कर लीजिए, पता करने के बाद आप मुझे बोलिएगा मैं बांग्लादेश से आया हुआ हूँ या कोई मुझे कांग्रेस की कोई नेता ने मुझे यहाँ पे लाया गया है। चलिए आपके साथ बैठी हुई, क्या नाम है आपका? जोपर आंगू। जोपरा? जोपर। जोपर क्या करती हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रही हैं? जी मैं कोचिंग कर रही हूँ यहाँ। कोचिंग किस चीज की? सिविल, लाइक इन सिविल सर्विस। सिविल सर्विस की। कहाँ पे रहती हैं आप असम में? दिल्ली पे? नहीं सर, मैं अरुणाचल से हूँ। अच्छा, देन यहाँ असम को सपोर्ट करने हमारे सपोर्ट कर रही हैं। क्या है विरोध आपका? मेरा विरोध ये है कि बाहर से जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं उसे लाइक सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। मैं एकदम इसका खिलाफ में हूँ जी, इसके अगेंस्ट में मैं खड़ी हूँ। एनआरसी से कोई समस्या नहीं आपको? हाँ एनआरसी से भी है, उसके लिए भी मेरे दिल में है। मतलब एनआरसी लाइक मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का तो रिलीजियस बेसिस में नहीं है, अपने कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं, लाइक वो हिंदू हो मुस्लिम लाइक वो है, लेकिन एक जो यहाँ ऑलरेडी है मैं इसका अगेंस्ट में हूँ। जो बाहर से उन लोगों को क्यों बुला रहा है यहाँ ऑलरेडी इतना ज्यादा? सरकार ये कह रही है हम बुला नहीं रहे, जो 2014 के पहले आ गए हैं उनको ग्रांट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आके कह सकता है कि मैं प्रोसिक्यूशन हुआ हूँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, लाइक तो वो कोई भी बोल सकता है, उसका कोई प्रूफ, मतलब गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रहा है उन लोगों को। एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी सरकार ये दावा करती है, जब इलेक्शन में गई थी तब भी बहुत दावा किया था कि हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत किया, नॉर्थ ईस्ट वॉज वेरी नेग्लेक्टेड, वी ब्रॉट लॉट ऑफ डेवलपमेंट देयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम? नरेंद्र मोदी हैज नेग्लेक्टेड। जी सर आपने क्या पूछा? जी सर मोदी सरकार का दावा है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का बहुत डेवलपमेंट किया है जी, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के मुकाबले, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट क्लेम? मुझे नहीं लगता कि बहुत सारा डेवलपमेंट कर 2014 से पहले भी लाइक ऑलरेडी लाइक रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का हो गया था लाइक जब प्रीवियस जी हाँ जब प्रीवियस गवर्नमेंट था उस समय भी लाइक अभी भी जी अभी 5 साल खत्म। मेरा नाम कबीर है, मैं मणिपुर से, मैं बस ये असम की सपोर्ट करने के लिए आया। काम क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट कहाँ पे? मैं DU में पढ़ाई किया है, अभी मैं कोचिंग कर रहा है KG कैंपस। अच्छा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मतलब आज तक मोदी जी ने और मोदी के गवर्नमेंट BJP ने नॉर्थ ईस्ट में कुछ नया स्कूल बनाया है क्या? एक भी नहीं, यूनिवर्सिटी कुछ नहीं। और बाकी इंडिया की इकोनॉमी क्या है अभी? प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी प्रेजेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत नहीं कर रहा है, अपमान कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों लग रहा है साहब? मतलब दूसरे कम्युनिटी आएगा और एक वो नहीं होगा ये नहीं होगा, इससे क्या मतलब पड़ता है? एक ही होना है, हमारा संविधान लिखा है, कोई मजहबी जी नहीं लिखा है, बस सबके साथ की लिखा है, मतलब लिखा है। जी सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हिजम राजन है, मैं असम का रहने वाला हूँ। कहाँ असम में? मैं असम से गुवाहाटी गई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं रिटायर आर्मी हूँ जी, मैं मेडिकल से हूँ। मैं ये समझता हूँ नरेंद्र मोदी साहब ने हमारा असम एंड समस्त उत्तर पूर्वी भारत को इज्जत नहीं किया। समस्त उत्तर पूर्वी भारत के लोगों ने इसको विरोध करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी साहब और हमारे जो अमित शाह जी ने इसको जबरदस्ती इसको लागू किया गया, इस अमेंडमेंट एक्ट को। क्यों किया ऐसा उन्होंने? नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारी ज्यादातर स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है या उनके अलाइज। पूर्वी भारत के हालात को आप समझ नहीं रहे, डेमोग्राफी को आप नहीं समझ रहे हो, हमारा छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप है। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब वहाँ पे NDA को BJP को इतना सपोर्ट है उन स्टेट्स में, असम से लेके और बाकी स्टेट्स में, तो इसके बावजूद आपके हिसाब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम आई डोंट वांट टू गो इन एन पॉलिटिकल एंगल, बट नरेंद्र मोदी एंड BJP गवर्नमेंट हैज नॉट रेस्पेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। हम चाहते हमारा जो ऑलरेडी ओवरफ्लो है, हमारा जो इलीगल माइग्रेंट जो है, और हम लोग जो है ऑलरेडी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में आ गया, हम इंडिजिनस पीपल होने के बावजूद भी वी बिकेम अ माइनॉरिटी इन आवर ओन लैंड। अब 2 करोड़ आप बांग्लादेशी लेकर के आओगे
आप ये बोले कि भाई पहले आपने एनआरसी किया, एनआरसी में जो है आपको पता चला कि हिंदू निकला है मुसलमान की जगह पर, हाँ, उस हिंदू को किसी तरीके से आपने लीगलाइज करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 की जो है 2019 के अमेंडमेंट करके आप उसको इंडियन सिटीजन बनाना चाहते हैं। वी आर ऑलरेडी इन ओवरफ्लो, अब और भी लेकर के आना चाहोगे। अब इन ये जो यूथ है उनको नौकरी नहीं मिला, वो लाने के बाद जो है क्या नौकरी कहाँ से देगा, फूड कहाँ से, खाने का कहाँ से अरेंजमेंट होगा, अगर रहेगा तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, आपको मालूम है वहाँ पर कितने सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, आपका नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया कभी दिखाते नहीं है इस चीज को। आर यू सेइंग कि बिकॉज ऑफ दीज इमिग्रेंट्स वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा कि होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं बिल्कुल लगा रहा हूँ। गिव मी एग्जांपल। पूरा एक तो त्रिपुरा खत्म हो गया, त्रिपुरा तो पूरा खत्म हो गया और आसाम अभी खत्म होने वाला है, फिर किस चीज में खत्म होने वाला, मतलब एक्सप्लेन करके बताइए। एक्सप्लेन मतलब त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर कौन है? बांग्लादेशी आया है। नहीं, आप चीज को समझ नहीं रहा, उनका कहने का सवाल हाँ, ताकि सब ये है। पहले समझूंगा तो मेरे लोग कैसे समझेंगे? पहले जो असम की जो इंडिजिनस पीपल जो है, जो बाहर की लोग आ करके देखिए, जो बाहर से आएंगे उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास ताकत होते हैं, उनके पास एजुकेशन होता है, जो उधर के लोकल के लोग नहीं इत्तेफाक रखना पड़ेगा। आप हकीकत को आप एक्सेप्ट करने में आप मना कर रहे हो। नो नो नो, यू आर इग्नोरिंग द फैक्ट। बहुत सारे माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो गरीब हैं। मैं अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी जमीन छोड़ के दूसरी जगह देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस इंडियन नो इंडियन डेमोक्रेसी के मुताबिक आपको क्या होगा, इलेक्शन होगा, उस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, डिसपुर में उनके रिप्रेजेंटेशन जाएगा, उधर के लोकल यस जी बिल्कुल बदल रहे हैं, ये बदल चुका है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोकल पीपल जो है, इंडिजिनस पीपल जो है, बिकम ए माइनॉरिटी इन आवर वर्ल्ड होते जा रहे हैं। जी, ये हमने असम आंदोलन का बार बार रेफरेंस सुना, बार बार ये बात आ रही है कि उनका आंदोलन ये है कि सीएए हटाया जाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि उससे जो असम में एनआरसी का प्रोसेस है या पूरा असम एकॉर्ड था, उसके पहले का असम आंदोलन था, जो चिंताएं थी अपनी एथनिसिटी, अपनी खासियत को बचाए रखने की, उसको खतरा पहुंच रहा है।